खबर अतरौलिया से है, जहां आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बुढ़नपुर निवासी जगदीप गुप्ता पुत्र स्वर्गीय मुन्नी लाल गुप्ता का बीते 17 फरवरी को पीसीएस में चयन हुआ है। उनका चयन वरिष्ठ गन्ना विकास अधीक्षक के पद पर हुआ है। इस खबर को सुनकर समस्त क्षेत्र वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इनकी प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर कोयलसा में हुई थी, तो वहीं इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा उद्योग विद्यालय कोयलसा से ग्रहण की। इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई सीएसए कानपुर से की। ये सीएसए कानपुर कॉलेज के टॉपर भी रह चुके हैं। इन्होंने इसके आगे की पढ़ाई एनडीआरआई हरियाणा से की। तत्पश्चात इन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लिया और पहली ही बार में परिणाम आने पर सफल हो गए। मीडिया से बात करते हुए जगदीप गुप्ता ने बताया कि इनकी पढ़ाई में इनके बड़े भाई प्रदीप कुमार गुप्ता एमडीआरटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं इनके भाई संदीप गुप्ता, कुलदीप गुप्ता, अमरदीप गुप्ता ने इनका पीसीएस में चयन होने से खुशी जाहिर की। इस मौके पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। बधाई देने वालों की कड़ी में एलआईसी ब्रांच मैनेजर अरविंद मिश्रा, विकास अधिकारी के चौरसिया आदि लोग उपस्थित रहे। जनसेतु के लिए आजमगढ़ से नूर मोहम्मद की रिपोर्ट। यह जो आपको सफलता मिली है जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है और किसको श्रेय देना चाहते हैं आप? आपको बहुत अच्छा लग रहा है और इसका श्रेय हम पहले शुरुआत करेंगे परमपिता परमेश्वर से, फिर उन्हीं के तुल्य जो हमारे माता पिता हैं, फिर उनकी हम करेंगे, उसके बाद जिसके कंधे पर भार आए हमारे भैया दी हैं जो माँ बाप बन करके हमारे साथ हमेशा खड़े रहे, और कोई भी डिसीजन हमने लिया तो कहें कोई बात नहीं हम हैं आपके साथ, तो उसके बाद हमारे फिर हमारे सब भाई बहन और परिवार, हमारे दोस्त सबका जो है और हमारे सभी लोगों का जो हमारे साथ जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े रहे, सबका हमारे उसमें सफलता में योगदान है।